हाथों में फावड़े और नंगे बदन खुद को नाले में समाये ये लोग किसी स्वच्छता अभियान का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये हिस्सा है बेरोजगारी की उस बेबसी का, जो बड़ी बड़ी डिग्रियों के बावजूद नाले की सफाई में हुनर दिखा रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें मुरादाबाद नगर निगम में सफाई कर्मचारी के लिए आवेदन करने वाले बेरोजगारों की है और इन्हें इंटरव्यू से पहले ही इस परीक्षा से गुजरना पड़ा है। काम यही बचा था मजबूरी। जब आप ग्रेजुएशन है तो कहीं और ट्राई नहीं करा आपने? खाली सुना आपने, ग्रेजुएट है मनोज, अब मजबूरी जब जरूरी बनती है तो ऐसे ही नाले साफ कराती है या फिर अपराध। वैसे भी ये अकेले मनोज की मजबूरी नहीं है, 1083 पद के लिए करीब 60,000 लोगों ने अर्जी लगाई है। जैनम सिंह एमए बीएड है, एमएड कर रहे हैं, नौकरी की आस इन्हें भी नाले में उतार चुकी है। सचिन भी एमकॉम है, लेकिन डिग्री से भी तो पेट नहीं भरता सरकार, बल्कि भूख से और पेट दुखता है। मेरी एमए बीएड उसमें नाले में धंसे हैं हम। नाले में धंसने के बाद हमने कार्य किया है, कार्य करने के बाद सफाई की, सफाई करने के बाद हमसे बोला आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू देने के लिए यहाँ पे नगर निगम सफाई भर्ती कर्मचारी को संविदा कर्मचारी के लिए वो हमने आवेदन भर्ती करा है। मेरी क्वालिफिकेशन तो बहुत है सर। क्या है? मैं बीकॉम पास और मास्टर ऑफ कॉमर्स। राजधानी लखनऊ में भी 3,000 सफाई कर्मियों के पदों पर 5,00,000 आवेदन आए हैं। बीते दिनों की ही तो बात है, विधानसभा सचिवालय में चपरासी के 368 पदों के लिए 23,00,000 से ज्यादा आवेदन आए थे। बावजूद इसके प्रदेश सरकार की फाइलों में मौसम गुलाबी है, तो वहीं हर साल 2 करोड़ नौकरी का सपना बेचकर सत्ता में आने वाली मोदी सरकार का सपना भी बुलबुले की तरह फूट गया है। खुद केंद्र सरकार के आंकड़ों में कहा गया है कि बढ़ने के बजाय घटी है नौकरियां, हर 10वां व्यक्ति बेरोजगारी का दर्श झेल रहा है। हालात ये है कि चतुर्थ श्रेणी के लिए फर्स्ट क्लास पास लोग लाइन में लगे हैं और सरकारें भाषणों में भरोसे की खुराक बांट रही हैं। और आज इन बेचारों को इनकी बेरोजगारी का फायदा उठा करके ये संविदा कर्मचारी हैं, इन्हें सबको यहाँ लाकर खड़ा कर दिया और सबको इतने गहरे नाले के पानी में घुसा दिया है। क्या ये जास्ती नहीं है? मैं समझता हूँ ये तो जास्ती है, किसी और तरीके से भी इनका इंटरव्यू हो सकता था। बहरहाल न जाने कितने अरमानों के दरमिया दिए जाते हैं जिंदगी में इम्तिहान, तालीम के लिए। पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर और कोई प्रोफेसर, लेकिन इन तमाम डिग्रियों की डगर ऐसी हो जाए कि हुनर नाले में दिखाना पड़े तो फिर हुकूमतों के वादों का जवाब किससे मांगा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, के न्यूज। चौक गए ना आप भी, ये तस्वीर है, डिग्रियां नाले में हैं, पढ़ लिख कर जो सपने देखे थे वो आज नाले में हैं। और इसी पर आज सवाल होगा, जो बेरोजगारी दूर करने का दम भरते हैं उनके दावे कहां आकर खत्म हो जाते हैं? नाले में। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से अरशद आबिद जुड़ रहे हैं, बीजेपी से चंद्रमोहन जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी आप ही से करेंगे। जो तस्वीर हमने देखी है वाकई में बढ़ते भारत की ये तस्वीर लगती है। बिल्कुल पंकज, हम लोग जब इस विषय को चर्चा के लिए चुन रहे थे और जब इसके फुटेज हमने देखे तब भी हमारी आंख भर आई थी। मेरा देश बदल रहा है को मानू या उत्तर प्रदेश संवर रहा है इसको मानू, किसको मानू? अदम गोडबी की बात मुझे समझ आती है और किसी की नहीं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, और ये तो गांव नहीं, कानपुर में, लखनऊ में, मुरादाबाद में। मुरादाबाद में हमारे मित्र विनोद अग्रवाल मेयर है,
मैंने उनको कहा, मैंने प्रभु क्या हाल है, ये एमए बीएड इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ के आए हुए बच्चे, फोर फर्स्ट क्लास का एकेडमिक करियर रखने वाले बच्चे फावड़ा लेके नाले में कूद रहे हैं, और हमसे कहा जा रहा है कि मान लो सब अच्छा हो गया, यही हमसे हुकूमत हिंदुस्तान कहती है, यही हमसे हुकूमत उत्तर प्रदेश कहती है कि अमिताभ जी आप क्यों नहीं मान लेते सब अच्छा है देश में, मैं कैसे मान लूं 368 चपरासी के पदों के लिए, 368 चपरासी के पदों के लिए जिस सूबे में 23 लाख आवेदन आ जाए, जिसमें अधिकांश लोग पीएचडी डबल एम ए ट्रिपल एम ए बीएड एमएड किए हुए हो, और आप जबरदस्ती चाहते हो कि हम मान लें कि सब अच्छा हो गया। आज मैंने नोटबंदी के हाहाकार के बीच, शिलान्यासों के हाहाकार के बीच ये मसला इसीलिए मैं लाया, मेरे लिए शिलान्यास छोटी चीजें हैं, मेरे लिए परिवर्तन रैलियां व्यर्थ है तब तक जब तक जमीन पर हालात नहीं बदले। सोचिए, चंद्रमोहन भाई बैठे हैं, सुरेंद्र जी हैं, आबिद साहब हैं, इनमें से अधिकांश बच्चे ऐसे होंगे जिनके बापों ने जमीन गिरवी रख दी होगी, जिनकी माओ ने अपनी पायल बेच दी होगी, अपना झुमका बेच दिया होगा बेटे को पढ़ाने के लिए, इस अपेक्षा के साथ कि ये सफाई कर्मचारियों की नौकरी की लाइन में खड़ा होगा जाकर, और वो भी 5-5 लाख अभ्यर्थी। ये हृदय विदारक दृश्य है, हृदय विदारक दृश्य। मैं चाहूंगा राजनीति से ऊपर उठकर आज इस पर चर्चा हो जी, भाजपा कांग्रेस सपा बसपा नहीं हो, ये हमारे ही घर के बच्चे हैं, हम कैसा भविष्य इनको सौंप रहे हैं, कैसा भविष्य सौंप रहे हैं, ये सवाल है, उसी संवेदना के साथ आज बहस होनी चाहिए, ये मैं निवेदन करूंगा जी। अशोक आदित्य राजपूत जी, कैसा देश बना रहे हैं हम, कैसा प्रदेश बना रहे हैं, देखिए अमिताभ जी जो आपने बात कही, अगर उस स्तर पर बहस होगी तो निश्चित तौर पर सारी की सारी पार्टियों को कहीं ना कहीं आप कटघरे में खड़ा करेंगे, और हम मौन होकर सुनेंगे इस बात को, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार की व्यथा कथा जो है आज की डेट में गरीब बेरोजगार की, उस गरीब की, बेरोजगार की, उसके परिवार की और उसके संस्कार की, ये सारी चीजों को लेते हुए जितनी भी बातें आपने कही मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन हाँ ये अपने आप में सच है कि इस देश के जो प्लूरल नेचर में जो समस्याएं सॉल्व होनी चाहिए और जितनी तेजी से होनी चाहिए, जनसंख्या उसमें एक बड़ा जो है रोड़ा अटकाता है। आपके सामने की चीजें हैं, आपके सामने की चीजें हैं कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो कहीं न कहीं रोजगार परकता में कोई दिक्कत क्रिएट करती है। दो तीन चीजें इसकी जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, अगर आप हम लोग उनको टच कर पावे, संवेदनाएं हमारे साथ में हैं, लेकिन मेरी संवेदनाएं उन लोगों के भी साथ में उतनी ही गहरी हैं जो आज तक इस काम को कर रहे हैं। आज की डेट में जहां पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ऑटोमेशन हो रहा है और नालों की सफाइयां तमाम अलग अलग दूसरे तरीकों से की जा रही हैं, आज की डेट में हम प्रैक्टिकल के नाम पर इन नालों की सफाइयां इन नौजवानों से करा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि उन लोगों ने इसका फॉर्म भरा है। तो ये अपने आप में बड़े गंभीर प्रश्न खड़ा करता है, क्या नालों की सफाई के लिए जो ऑटोमेशन पूरी दुनिया से हमको गिफ्ट में मिलते हैं, मेयर एक दूसरे की जो है चाबियां चेंज करते हैं और 100-100 गाड़ियां उनको ऑटोमेशन में मिलती है, वहां पर मेयर चाहे भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, सपा के हो या बसपा के हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन निश्चित तौर पर गाड़ियां मिलती हैं इनको ये नाले साफ करने के लिए। तो इन जगहों पर इस तरीके से ये प्रैक्टिकल लेने की जो आवश्यकताएं हैं उस पर कहीं न कहीं पुनर्विचार भी होना चाहिए और उस पर कहीं न कहीं बात भी होनी चाहिए, और साथ में ये बात भी जरूर होनी चाहिए
कि जिस प्रकार से हमारी रोजगार बात कही है सुरेंद्र जी, आपने अच्छी बात कही, नौकरियों का जो आकर्षण है। मैं चंद्रमोहन जी को बहस में ले आऊं। चंद्रमोहन भाई, मेरा एक छोटा सा सवाल, इस मुल्क की सरकारों ने, चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो चाहे प्रदेशों की, समय समय पर, मैं उदाहरण नहीं दूंगा, समय समय पर ये सिद्ध किया कि अगर वो ठान ले, जो ठान लेती है वो कर डालती है। ठीक, कुछ काम यूपी में सरकार जो है उसने ठान लिए थे तो उनने भी कर दिए, कुछ दिल्ली वाली सरकार ने ठान लिए तो वो उनने भी कर ही दिए। इसका मतलब ठान ले तो कर लेती हैं, लेकिन इस समस्या पर निगाह क्यों नहीं जाती कि इस देश में ट्रिपल एमए करने के बाद, बीएड एमएड करने के बाद आदमी सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए फार्म भर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सफाई कर्म सफाई का काम छोटा है, ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं इतनी योग्यता वालों के लिए उनकी योग्यता के समतुल्य हम रोजगार क्यों नहीं उपलब्ध करवा पाए। चंद्रमोहन भाई, देखिए जो विषय आज, अमिताभ जी नमस्कार, जो विषय लेकर आज आप आए हैं चर्चा के लिए, ये विषय बहुत मौजूद है, बहुत आवश्यक है और वर्तमान में इसके लिए समय भी बिल्कुल सही है। और मुझे लगता है कि चर्चा में आप सुरेंद्र जी, अरशद जी, पंकज जी, हम जो लोग बैठे हुए हैं पांच लोग, उसमें पंकज जी और हमने शायद एकदम इसको और करीब से देखा होगा, क्योंकि आपका दौर और हमारे दौर के बीच में जो अंतर है, वर्षों का जो अंतर है, उसके कारण से हमने इसे नजदीक से देखा है। मैंने गांव भी देखा है, मैंने शहर भी देखा है, और आज राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जब मेरे पास में भी जो लोग आते हैं उसमें बेरोजगार बड़ी संख्या में आते हैं। कई बार मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि ये जरा है और आपके यहां कहीं कोई संभावना हो तो जरा आप इसको देख लीजिए। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, आप जैसे बाकी मित्रों से भी निवेदन करता हूं। तो आज भारत में जी और खासकर उत्तर प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और हालत इतनी खराब है। मैं आए दिन देखता हूं और आए दिन मैं उसको जानता हूं और आए दिन मैं देखता हूं कि आप जहां नोएडा में बैठे हैं वहां का एक विज्ञापन किसी भी एड्रेस का प्रकाशित हो जाता है और उसमें लिखा होता है कि इतनी तनख्वाह मिलेगी, ये होगा, वो होगा, वगैरह वगैरह तमाम तरह की बातें होती हैं, और बेचारे भोले भाले लोग, बेरोजगार लोग उसके लिए पोस्टल एड्रेस के साथ में और अपना आवेदन कर देते हैं। वो वहां पहुंचते हैं, पैसा देते हैं और ठगी के शिकार होते हैं और वापस चले आते हैं, क्योंकि आज बेरोजगारी सचमुच में, और ये केवल मुरादाबाद की नहीं है विषय, मैं आज से कुछ समय पूर्व उत्तर प्रदेश के सचिवालय की वैकेंसी निकली थी तो मैं उसमें भी देखा था कि उसमें भी इंजीनियरिंग किए हुए, पीएचडी किए हुए क्लेरिकल जॉब के लिए आवेदन कर रहे थे। तो आज जो हालात है वो बस से बदतर है। और जो बात, एक बात सुरेंद्र राजपूत जी ने कही कि अगर हम इस चर्चा को किस ओर ले जाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है कि हम चर्चा को किस ओर ले जाना चाह रहे हैं और चर्चा किस ओर करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसको समाधान की ओर ले जाना चाह रहे हैं तो समाधान कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे यहां ब्रेन ड्रेनेज भी होता है, प्रतिभा का पलायन भी होता है हमारे यहां से। आज पूरे विश्व में आप अगर विश्व का करें तो आप चाहे सिलिकॉन वैली की बात हो या कहीं की हो, तो भारत के नौजवान वहां पर छाए हुए हैं। पूरे विश्व में अच्छे डॉक्टर कहां के हैं कि भारत के हैं, सैटेलाइट इंजीनियर कहां के हैं कि भारत के हैं। तो हम प्रतिभाशाली देश होने के बावजूद भी हम हर हाथ को काम नहीं दे पा रहे हैं। अब हर हाथ को काम नहीं दे पा रहे हैं अगर, तो इसके लिए किसकी जिम्मेदारी है? हम वो माहौल नहीं दे पा रहे। जो बात एक सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि भाई नौकरी पर ही क्यों आश्रित किया जाए, नौकरी का आकर्षण क्यों है, और इसके अलावा उद्यमिता क्यों नहीं है भारत में, और उद्यमिता के क्या क्या क्षेत्र विकसित हो सकते हैं। लेकिन हालत क्या हो रही है कि उद्यमिता के क्षेत्रों पर, उद्यमिता को लेकर कोई माहौल जो देने का काम करना चाहिए और वो माहौल नहीं दे पा रहे हैं। अब इसमें बात तो राजनीति की ये आती है इन टोटलिटी में, क्योंकि सवाल राजनीति का ही है, राजनीतिक लोगों से है। तो जब अनिल यादव आते जी, ठीक है चंद्रमोहन भाई, मैं आविद साहब को भी चर्चा में ले आऊं, वो क्या लेके आएंगे जी? चंद्रमोहन भाई और आविद साहब को चर्चा में ले आऊं, आप अरशद आविद साहब, मैं लंबी बात तो नहीं करता, 20 साल के अपने पत्रकारीय जीवन में मैंने जितने चुनाव देखे,
राज्य के और केंद्र के। हर चुनाव में हर पार्टी ने ये नारा जरूर दिया, शब्द भले बदल दिए हो लेकिन ये नारा हर चुनाव में रहा। इसकी गवाही चंद्रमोहन जी भी देंगे, सुरेन जी भी देंगे कि हर हाथ को काम और हर खेत को पानी। ये जवाहरलाल जी के समय से आज तक चला आ रहा, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से आज तक चला आ रहा, ये लोहिया के समय से आज तक चला आ रहा, ये काशीराम जी के समय से आज तक चला आ रहा नारा, हर हाथ को काम और हर खेत को पानी। इस नारे के बिना तो कभी किसी ने चुनाव लड़ा ही नहीं। और हालत ये हो गई कि एमए पीएचडी पास पद निकले आपके सचिवालय में तो 23 लाख नौजवान अप्लाई करें, 23 लाख। अभी साहब अमिताभ जी, आज का जो विषय आपने चुना है चर्चा के लिए वो वाकई बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है और इस विषय पर उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में गंभीर चर्चा होनी चाहिए कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। अमिताभ जी, आप बड़े जर्नलिस्ट हैं देश के और आप अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि आपका करियर भी लगभग 30 साल का हो चुका है कि देश में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है और रोजगार के जो अवसर हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। जब देश में जनसंख्या बढ़ेगी और तो बेरोजगारी निश्चित रूप से बढ़ेगी, लेकिन आप देखिए कि आजादी के बाद पहला चुनाव, देश तो आजाद 1947 में हुआ लेकिन पहला चुनाव 1952 में हुआ और 1952 से लेकर अब तक किस किस पार्टी की सरकार रही, किन किन लोगों ने सरकार को चलाया और उन्होंने कितने कितने, जब भारत सरकार में उनकी सरकार थी तो उन्होंने भारत सरकार के जो मंत्रालय हैं, बड़े बड़े मंत्रालय हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री है, पार्टियों पे मत जाइए, पार्टियों पे मत जाइए, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अमिताभ जी मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मैं फिर आपसे ज्यादा सही बात कह सकता हूँ। जवाब ले लीजिए एक बार, फिर मैं आपसे सवाल ले लूंगा। एक सेकंड, वो लोग आपका जवाब ले लीजिए पहले। अर्ध सत्य बोलते हैं, तो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि आबादी अनियंत्रित है। हमने रोजगार दिया है, हमारे बगल का देश चाइना सबसे ज्यादा आबादी रखता है, बेरोजगारी आज भी भारत की देश के क्यों नहीं मंजूर करते। उनके सही उनके सहयोग दोनों की सरकार है, ये कितने लोग रोजगार दे रहे हैं आप भी देख लीजिए। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के रोजगार को देख लीजिए आप कि आजादी के बाद समाजवादी पार्टी की चौथी सरकार है 1989 1993 2003 और 2012 की सरकार है। हमने सबसे ज्यादा रोजगार दिया है। अरशद सरकार कल्याण सिंह जी रहे, राजनाथ सिंह रहे। रुको भाई रुको, 10,000 लोग रोजगार। अरशद अभी रुकना होगा आपको, 50,000 आपने बहस को गलत दिशा में मोड़ दिया। 50,000 ठीक है अरशद अभी, अब उसका जवाब चंद्रमोहन देंगे कि नहीं देंगे वो चंद्रमोहन जाने, लेकिन मैं तो भाई बिना तथ्य की बात सुनता ही नहीं। एक जानकारी आपको दे दूं, आसम भाई सुन लीजिए, कार्यकर्ता है उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी ने कहा आपकी सरकार के लिए कि नौकरियां खाली हैं और लड़के घूम रहे हैं नौकरी नहीं दे पा रहे, आपकी सरकार के लिए मुलायम सिंह जी ने कहा। यह बात चंद्रमोहन ने नहीं कही, समझ गए ना, ये सब ज्ञान समझो तब बहस होगी मित्र, ऐसे नहीं होगी। आपने बहस को डिरेल कर दिया, समाजवादी बसपा कांग्रेस भाजपा बीच में घुसा कर। अमित, मैंने मुलायम सिंह यादव को कोट कर दिया, उत्तर नहीं दे पाएंगे, उनकी बात काटोगे पार्टी से जाओगे, तब आप इनसे सवाल कर लीजिए कि मुलायम सिंह जी की बात काटोगे कितनी बार जाओगे, तब उत्तर प्रदेश क्या करोगे मित्र। जब से भाजपा की देश में सरकार आई है, ये मेरे साथ जब बहस में है तो ध्यान रखिए थोड़ा चीजों का। सुरेंद्र राजपूत जी, हमने 3,46,000 राजपूत जी 386 मसला वो नहीं, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस नहीं, मसला ये जी, अगर चाइना रोजगार दे सकता है एक बड़ी आबादी को तो हम क्यों नहीं। एक और दूसरी बात, इससे भी इतर एक सवाल, अरे अरशद आबिद रुको भाई,
दूसरी इससे भी इतर एक सवाल है बड़ा, योग्यता के अनुरूप काम, ये बड़ा सवाल होता है। मूर्ख आदमी बन जाए अधिकारी और योग्य आदमी नौकरी पाए चपरासी की, ये भी तो गलत है सुरेंद्र राजपूत। अमिताभ जी, यहां पर फिर से मैं कहूंगा कि राजनीति से ऊपर उठकर अगर हमारे मित्र बात करें, वरना तो मेरी मजबूरी हो जाती है कि मैं भी अपनी पार्टी के पक्ष को रखने के लिए बैठा हूं, तो यहीं पे पार्टी के पक्ष को रखूं तो फिर बहस छोटी हो जाएगी। यहां पर जो सबसे बड़ी बात है, अगर आप देखें यहां पर कि अगर सम्यक रूप से आप देखें तो चाइना मॉडल और हिंदुस्तान मॉडल को आपको अलग अलग करके देखना होगा, साम्यवाद को और लोकतंत्र को भारत के आपको अलग अलग करके देखना होगा। वहां की जो नीति है, प्रीति है और वहां का भाव स्वभाव और प्रभाव है, उसको आप हिंदुस्तान के साथ नहीं मिला सकते, उनकी स्टेट पॉलिसी में है। अगर हम अपनी स्टेट पॉलिसी में यानी अपनी नेशनल पॉलिसी में जिस प्रकार हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन ले आए, राइट टू एजुकेशन ले आए, राइट टू फूड ले आए, मनरेगा ले आए, उसी तरीके से अगर हम राइट टू एम्प्लॉयमेंट ले आते हैं तो निश्चित तौर पर हम फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहां पर बड़ी समस्या है कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट की जो बात है वो 127 करोड़ लोगों के लिए क्या संभव है भारत की सरकार के लिए? पॉलिसी जो इस तरीके की बननी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि रोजगार के अवसर हम कितने उपलब्ध करा रहे हैं, राजनीति से अलग हट करके राष्ट्र की एक नीति होनी चाहिए। जिसमें मुझे दुख होता है कि कहीं ना कहीं लोग पार्टी पॉलिटिक्स में, विशेषकर इस वक्त जो सरकार वर्तमान में है केंद्र में, वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर ही नहीं उठना चाहती। हमारा ये कहना है कि अगर हम लोगों से कोई गलती हुई है तो आप उस गलती को सुधार करके आगे रोजगार के अवसर बढ़ाइए। सरकारी नौकरियों को ही सिर्फ रोजगार माना जाएगा, ऐसा उचित नहीं है। अगर आप सरकारी नौकरियों को सिर्फ रोजगार मानते हैं तो चाइना की पॉलिसी भी फेल है, अमेरिका की भी पॉलिसी फेल है। और जो बात आपने कही ठीक कही, वो आज की डेट में हमारे सामाजिक ताने बाने से सर दूसरी बात, मेरी दूसरी बात सुन लीजिए, जो दूसरी बात है वो सामाजिक ताने बाने से जुड़ी हुई है। यहां पर सरकारी नौकरी को भगवान के तरीके से प्रसाद समझने का एक प्रचलन चल पड़ा है, जिसकी वजह से सरकारी नौकरी भले ही किसी भी प्रकार की हो, बड़े से बड़ा योग्य लड़का अपनी बड़ी से बड़ी डिग्री को किनारे रख करके उस नौकरी के लिए जाता है। मैं नौकरी देने के लिए तैयार हूं योग्य आदमी को, वो आदमी मेरे यहाँ ठीक तरीके से काम नहीं करना चाहेगा। सुरेंद्र जी, आपकी बात आई नहीं, यहाँ नाले की साफ करने की, अब मैं एक सवाल छोड़ता हूँ मानसिकता में है, और उस सवाल पर ब्रेक के बाद जब आऊंगा तो चंद्रमोहन जी से जवाब लूंगा, फिर आमिर साहब के पास जाऊंगा। दुनिया की कहानी छोड़ दो, एक चावल निकालकर दिखाता हूं पतीले से, बाकी क्षेत्र सब छोड़ो, मैं तो बहुत फोकस बात करता हूं। इस देश में प्राइमरी एजुकेशन में 17 लाख अध्यापकों के पद खाली हैं। फिर सुनिए, इस देश में प्राइमरी एजुकेशन में 17 लाख अध्यापकों के पद खाली हैं और 5 करोड़ लड़के उसके पात्र देशभर में, जो तमाम कोर्सेज क्लियर कर चुके, तमाम इम्तिहान क्लियर कर चुके, वो धरना अनशन प्रदर्शन कर रहे हैं और पद खाली है। अब सरकार की इस योग्यता और इस क्षमता को मैं कैसे नमन करूं? ब्रेक के बाद समझेंगे जरा। 1000 के लिए 60,000 लोग आ जाते हैं, पढ़ी लिखी बेरोजगारी से आप कह सकते हैं। सीधे चल रहे हैं अमिताभ जी के पास, हमारे प्रधान संपादक हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ जी, आपका सवाल, वाजिब सवाल। चंद्रमोहन जी, उद्यमिता होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए, ये भी एक अच्छा सुझाव है और होना भी चाहिए, बड़ी आबादी के लिए बहुत जरूरी भी है, मैं इससे सहमत भी हूं। लेकिन जो मैंने ब्रेक पर जाने से पहले प्रश्न रखा था, इस देश में राइट टू इंफॉर्मेशन जब लागू हो गया, उसके बाद ये सरकारों के लिए मैंडेटरी हो गया कि स्कूल में प्रति अध्यापक और बच्चे का जो आदर्श अनुपात है वो मेंटेन हो। 17 लाख प्राइमरी एजुकेशन में भारत में 17 लाख मास्टरों के पद खाली हैं, जिसमें 2.25 लाख से ज्यादा पद केवल का जो आदर्श अनुपात है वो मेंटेन हो।
17 लाख प्राइमरी एजुकेशन में भारत में 17 लाख मास्टरों के पद खाली हैं, जिसमें 2.25 लाख से ज्यादा पद केवल उत्तर प्रदेश में खाली हैं, और बेरोजगार सड़क पर आत्महत्या करने पर आमादा है। ये तमाशा क्यों? और एक इसी में जोड़ दूं, गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई थी, 31 लाख पुलिस कर्मियों की कमी है, 31 लाख देश भर में, अपराध बढ़ रहा है, जो पुलिस वाले हैं वो नेताओं की सिक्योरिटी में लगे हैं, लेकिन भर्ती नहीं होगी जी, बेरोजगारों की फौज खड़ी रहेगी। चंद्रमोहन जी, इसका क्या मसला है भाई? मसला एकदम साफ है, मसला नीयत का है, और नीयत के मसले के पर ही ये निर्भर है। जब नीयत साफ होगी तो समाधान होगा, जब अमिताभ जी हमारी नीयत साफ नहीं है तो फिर समाधान कैसे होगा? मैंने आपको चर्चा के शुरुआत में ही कही थी कि जब हमारी नीयत में खोट है, हमारी प्राथमिकता ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? जब हमारी प्राथमिकता ही कुछ और है, प्राथमिकता ही छद्म है, तो फिर अमिताभ जी परिणाम यही होगा। अब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर लें तो उत्तर प्रदेश में सुरेन जी को भी याद आ रहा होगा कि यहां माननीय न्यायालय ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सभी के बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ें, जो बड़े नौकरशाह हैं उनके लिए, नेताओं सबके लिए कहा, लेकिन उसका कितना पालन हुआ? लेकिन नहीं हुआ उसका। अगर उनके बच्चे पढ़ेंगे तो प्राथमिक शिक्षा का स्तर सुधरेगा, स्तर सुधरेगा तो शिक्षकों का अभाव है इसका जानकारी मिलेगी। इसके साथ, इस समस्या के साथ में वो एकदम सजग होंगे और फिर समस्या के समाधान की ओर बढ़ेंगे। मैंने आपको चर्चा के शुरुआत में ही कही थी कि इसके समाधान जब ही होगा बेरोजगारी की समस्या का, कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने का कोई कहेगा, जैसे आपने कहा कि हर आपको काम हर खेत को पानी, ये बात लगातार हो रही है देश में, लेकिन नहीं लोग दे पा रहे। अब उद्यमिता बढ़ानी है अगर देश में तो कितने प्रकार की उद्यमिता है और वो कैसे कैसे बढ़ सकती है, उसमें सरकार की भूमिका क्या है और सरकार क्या दे रही है? अब सरकार जैसे अगर बात कैसे नए रोजगार के अवसर तलाश किए जा सकते हैं, अब पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार कब बढ़ेगा, उसके लिए क्या किया जा सकता है? अब हालत जब इतनी बद से बदतर हो गई है और सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षण क्यों है? क्योंकि अनिश्चितता का जो भाव है, उस अनिश्चितता का भाव वो समाधान की और वो चाहता है कि भाई निश्चितता में जीवन जिए, अनिश्चितता में जीवन ना जिए। अब अनिश्चितता से निश्चितता के तलाश के जो मार्ग है वो सरकारी नौकरी है, अब वो उसी का ये परिणाम है। ठीक है, हमने ऐसी प्रक्रिया बनाई है। चंद्रमोहन भाई, ये एक पक्ष है, मैं आबिद साहब को भी पैसा में ले लूं। आबिद साहब, जो मैंने सवाल चंद्रमोहन जी से पूछा था वही आपसे पूछता हूँ। स्कूल में मास्टरों के पद खाली, थाने में सिपाही के पद खाली, बेरोजगार नाले में कूद रहा, सरकारें कहाँ हैं? अरशद आबिद, बड़ा सीधा सवाल, थाने में सिपाही की कमी, स्कूल में मास्टर की कमी, अस्पताल में कंपाउंडर की कमी, बेरोजगार नाले में कूद रहा, सरकारें कहां हैं? अरशद आवेद, अमिताभ जी, ये हालात देश के एक उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में हैं, और खासकर वहां पर हैं जहां जो है भाजपा की सरकारें और पार्टी की सरकारें हैं। अमिताभ जी, आप मुझे बता दीजिए, अरे भाई तो पूछा पूरे देश में पूछो, ऐसा क्यों है? राजनाथ सिंह की सरकार में कितने राम प्रसाद, आप क्यों परेशान हैं? सरकार आती है तो 50,000 की भर्ती, फिर 45,000 की भर्ती, फिर 15,000 सिपाहियों की भर्ती, 15,000 सिपाहियों की भर्ती नहीं की है बसपा ने सिर्फ एक बार। देखिए, हमारी सरकार पर फिर कमेंट कर देते हैं, अभी चंद्रमोहन जी फिर कमेंट कर रहे थे हमारी सरकार पर। अरे मैं नाम सरकार चढ़ी है भाजपा की, तो क्यों भर्ती नहीं कर रहे हैं? हमने
रिक्शा तो भरा है, क्यों परेशान हो रहे हो? हमने 3.5 लाख भाइयों को, अरे भाई नारायण सिंह जी जो कह रहे हैं वो सुनो, चंद्रमोहन जी जो कह रहे हैं वो मत सुनो। लेकिन ये भाजपा की सरकार है, मुझे लग रहा है तो ये 1600 की भर्ती में क्यों नहीं करते हैं? जिम्मेदार कौन है? भाजपा की सरकार ने सबसे बड़ी जिम्मेदार है, और बसपा की सरकार ने अपने पूरे जीवन का, अपने चौथी सरकार में सिर्फ 40,000 सिपाहियों की भर्ती की है। अमिताभ जी, हमारी इस सरकार ने भी 3,46,311 बेरोजगारों को रोजगार दिया गया है। नहीं 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 सब समाजवादी रोजगार देने में देश में सबसे आगे है, काम करने में सबसे आगे हैं, लेकिन भाजपा के सांप्रदायिक लोग झूठ बोलने में और झूठा प्रचार करने में आगे हैं। तो भाजपा के लोगों से भी तो सवाल कीजिए कि जब उनकी सरकार आती है तो ये भर्ती क्यों नहीं करते? हमको लगातार तार्किक सवाल पूछा था, बड़ा तार्किक सवाल सुने राजपूत, हम तो अधिभावना भर्ती करते हैं। मैंने प्रश्न पूछा था कि भारत की सरकार और राज्यों की सरकारों में मिला के जरूरी सेवाओं में करोड़ों पद खाली है और करोड़ों बेरोजगार तबाह है, ये विसंगति क्यों? इसका उत्तर नहीं दे रहा कोई मुझे। सुन राजपूत, करोड़ों पद खाली जरूरी सेवाओं में सरकार के, अगर और करोड़ों बेरोजगार नाले में कूद रहे, ऐसा क्यों? ये विसंगति क्यों राजपूत जी? अमिताभ जी, फिर से मैं कहूंगा कि राजनीति से इतर उठ करके हमको बेरोजगारी की समस्या पर बहस करनी होगी, और फिर से मैं कहूंगा अगर पार्टी पॉलिटिक्स में आएंगे तो निश्चित तौर पर ही आपका जो महान उद्देश्य है बहुत डिफीट हो जाएगा। आपने अभी एक तर्क संगत बात रखी कि 17 लाख पद खाली और करोड़ों लोग बेरोजगार, सच्चाई इससे थोड़ी सी अलग है। जो 17 लाख पद खाली है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, पंजाब में हो या कहीं पर भी हो, उन 17 लाख पदों के एवज में शिक्षा मित्र वहां काम कर रहे हैं। तो सच्चाई यह है कि उन शिक्षा मित्रों को हटाइए और TTU अध्यापकों को लाइए, एक को बेरोजगार करिए, दूसरे को रोजगार दीजिए। दूसरी जगह पर आपने पुलिस की भर्ती की बात करी, आपने कहा कि पुलिस के पद खाली निश्चित तौर पर खाली है, केंद्र सरकार की रिपोर्ट भी कहती है, लेकिन राज्य सरकारें पैरामिलिट्री फोर्सेस से, होमगार्ड से, PAC से उन सारे पदों को भरने की अपनी एक एडहॉक व्यवस्था रख रही है। और देश में जहां करोड़ों पद खाली है, इसमें एक बहुत बड़ा घोटाले के रूप में ये मैं कहूंगा, वो ये राजनीतिक दलों के द्वारा नहीं, ये ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा है। जो एडहॉक की नियुक्तियां हैं ना अमिताभ जी, वो सारी की सारी एडहॉक की नियुक्तियां उन पदों से मसला ये है, ये तो वो आदमी करे जुगाड़ जिसके पास आदमी कम हो। भारत में जहां उपलब्धता इतनी है मैन पावर की, वहां जुगाड़ तंत्र क्यों भाई? मैं वही बात आपसे कहना चाह रहा हूं, एक नई व्यवस्था हो गई है अमिताभ जी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि इस पर हिट करना जरूरी है और आपके माध्यम से हिट करना जरूरी है। आज की डेट में जो संविदा पर नियुक्तियां हो रही हैं, आज की डेट में जो एडहॉक पर नियुक्तियां हो रही हैं, एक एक पद की जगह 3-3 पद पर लोग काम कर रहे हैं, उनको देखने की जरूरत है। और ये सारी की सारी नियुक्तियां देश के ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं और अपने चहेतों को दे रहे हैं। आज की डेट में जो सबसे बड़ी समस्या है कि एक और नई ठेके की प्रथा दे दी गई है। केंद्र सरकार की जितनी नियुक्तियां हैं, चाहे वो कस्टम में हो, चाहे वो एक्साइज में हो, चाहे वो रेल में हो, चाहे वो तेल में हो और चाहे वो इनकम टैक्स में हो, उन सब जगहों पर अगर आप देखेंगे तो नियुक्तियां जो होती हैं प्राइवेट वेंडर से ले ली जा रही हैं, चाहे वो 108 पर हो, डायल 100 पर हो, चाहे वो किसी पर भी हो, आप देखें सारी की सारी नियुक्तियां ठेके पर दे दी जा रही हैं और एक ठेकेदार से रोजगार मांग लिए जाते हैं, लड़के मांग लिए जाते हैं। और उन नियुक्तियों को अगर आप सरकारी में देखेंगे तो खाली दिखती हैं, और वैसे आप देखेंगे तो भरी हुई है, 8,000 और 9,000 रुपए के लड़के वहां पर काम कर रहे हैं, जबकि मिनिमम जो वेज होना चाहिए 7th Pay Commission के हिसाब से वो 17,000 रुपया होना चाहिए। तो ये इस तरीके के घोटाले जो ब्यूरोक्रेसी कर रही है, ये आपके संज्ञान में नहीं लाने देना चाहती है। नहीं नहीं, सुनिए, उसमें ये मसला भी नहीं, उसमें ज्यादा मसला है भ्रष्टाचार का और गहराई से मंथन, उसमें ज्यादा मसला है भ्रष्टाचार का। सरकारों को, अधिकारियों को उसमें कमीशन मिलता है, इसलिए भारत में आया।
ये क्या होता है संविदा संविदा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हर प्रदेश में तमाशा चल रहा है संविदा का। मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इस पर चाहिए ये संविदा का तमाशा, क्या भ्रष्टाचार की गंदगी नहीं खोल रहा है देश भर में? निश्चित तौर पर एक ये बड़ा घोटाला है। देखिए स्वाभाविक रूप से आज है संविधान का संविधान संविधान का ये जो नया खेल आया है पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान भर में, इसने अधिकारियों को और राजनेताओं को कमीशन देने की व्यवस्था की कि नहीं की? देखिए स्वाभाविक रूप से जो संविधान का खेल आया है इसकी समीक्षा होनी चाहिए, उस समीक्षा से बचा नहीं जा सकता और समीक्षा से भागा भी नहीं जा सकता है। जब 10 साल हो गए एक निश्चित समय हो गया तो निश्चित समय के बाद में समाधान होना ही चाहिए, और अगर 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 उसकी समीक्षा नहीं करेंगे तो हम समाधान की ओर नहीं बढ़ेंगे। इसलिए अमिताभ जी आवश्यक है कि हम समीक्षा करें और समीक्षा से समाधान की ओर प्रस्थान करें, नहीं तो हम अन्याय को बढ़ावा देने की ओर बढ़ रहे हैं, देश के साथ में अहित करने की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए आज अगर शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है तो इसके पीछे के जो कारण है उनको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहां जिस प्रदेश में हम बैठे हैं उस प्रदेश में अमिताभ जी आप फर्रुखाबाद से आते हैं, आपके जो पड़ोस के जिले हैं उन जिलों में माध्यमिक शिक्षा के जो सेंटरों का निर्धारण होता है अभी फिर होगा, पिछली बार भी उत्तर प्रदेश में हाई तोवा हुई थी, सेंटर बनने का काम पर जो खेल शुरू होता है वो कितना बड़ा खेल होता है। अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में डिग्री देने का काम होता है वो कोई छोटा काम नहीं होता है, वो बड़ा काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और एक 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 हालत बद से बदतर हो जाती है कि जिस तरीके से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खुद राजधानी लखनऊ में सेंटर का एक बड़ा खेल हुआ था, अब जिस प्रदेश में अगर नियुक्ति से लेकर पोस्टिंग तक का खेल अगर हो तो वहां किस न्याय की उम्मीद करेंगे हम, कौन से न्याय की उम्मीद करेंगे? जहां लोगों को अगर इसी बात पर वो एकदम वो अपनी अपनी भाई माननीय न्यायालय ने अनिल यादव के खिलाफ, वहां छात्रों ने इलाहाबाद में अमिताभ जी गवाह है, आपने जाने कितनी बार चर्चा की है कि इलाहाबाद में छात्रों को वहां पर लोक सेवा आयोग के सामने धरने पर बैठना पड़ा। मैं अरशद आबिद से भी जवाब ले लूं, जो मेरा मूल प्रश्न था अरशद आबिद, मेरा मूल प्रश्न था मित्र पढ़ने वाले, ये संविदा संविदा का खेल क्या भ्रष्टाचार को बनाए रखने के लिए खेला जाता है? रेगुलर नियुक्ति की बजाय ये संविदा संविदा का खेल क्यों खेलती है सरकारें और नौकरशाह? अरशद आबिद, अमिताभ जी इसमें संविदा वाले मामले में कहीं ना कहीं जो हमारे ब्यूरोक्रेट होते हैं वो सरकार को सलाह देते हैं कि अभी आप संविदा पर रख लीजिए और बाद में जो है इनको जो है नियमित कर दिया जाएगा, दोबारा से भर्ती की जाएगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि देश की सभी सरकारों को, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार हो, उन्हें जितने भी पद रिक्त हैं चाहे भारत सरकार के हों चाहे किसी स्टेट सरकार के हों, उनको भरना चाहिए, क्योंकि देश में बेरोजगारों की भीड़ बढ़ रही है। लेकिन समाजवादी सरकार तो काम करती है उत्तर प्रदेश में, चूंकि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में आती है तो हम बेरोजगारों को नौकरी देते हैं। अरे भाई अनिल यादव आप ही का है, किसी और का नहीं है, ठेके पे नकल यही होती है और कहीं और किसी प्रदेश में नहीं होता है। अच्छा बाबिल इस पर मत बोलो, आपका क्या मतलब है? एक जाति के लोगों की नियुक्ति क्या होती है? किसी प्रदेश में होती है, किसी और प्रदेश में होती है, कौन बोलेगा इस पर? आप बेरोजगार को घुसाने का काम नहीं कर रहे हैं, कौन नहीं बोला? हम चाहे तो सफाई कर्मी भर्ती उस घर कौन बोला है? उस सब कौन बोला है? एक जाति के लोग कर पाएंगे, एक जाति के लोग पोस्टिंग कर पाएंगे, कौन बोला इस बात को? आपके पास अनिल यादव की नियुक्ति, अरे आपको क्षमा मांगनी चाहिए आज अर्षद जी, आपको क्षमा मांगनी चाहिए इस मत से कि हम क्षमा मांग रहे हैं। समझ नहीं पाए चंद्रमोहन जी प्लीज, लोगों को बताकर अगर अभी आप देखिए झारखंड देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, राजस्थान देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, हम उत्तर प्रदेश आप किसी प्रदेश को नहीं देख सकते, उत्तर प्रदेश में अनिल यादव होता है बाकी किसी प्रदेश में अनिल यादव नहीं होता है। मध्य प्रदेश में सरकार है सबसे ज्यादा बेईमानी, अरे अनिल यादव से ज्यादा बड़ा कोई नहीं हुआ है। अनिल यादव उसका नाम है, अनिल यादव को देखो, आपके पास में कोई जवाब हो आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको प्रायश्चित करना चाहिए। ठीक है चंद्रमोहन जी जवाब नहीं देते कैसा? आप आओ, नौजवान उत्तर प्रदेश का, बेरोजगार उत्तर प्रदेश का, घोटाला
पूरे देश का। अरशद आबिद जी कोई घोटाला नहीं है, सीबीआई जांच कर रही है। चंद्रमोहन जी प्लीज, अनिल यादव अरे आप तो चेहरा दिखाने लायक नहीं हो। ठीक है अरशद आबिद, अनिल यादव जैसे लोग आप लोक सेवा आयोग का नियुक्ति है किसके लिए? चंद्रमोहन जी उनका जवाब आ जाने दो भाई। ये क्या बोले समझ में नहीं आ रहा है। लोक सेवा आयोग, शिक्षा आयोग। ठीक है चंद्रमोहन, समाजवादी व्यवस्था को जिंदा रहना चाहते हैं। अरशद आबिद जी लोग हैं, अरशद आबिद जी लोग हैं जो देश को टुकड़े में। अरे आरएसएस के लोग ही अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी देश के लिए नहीं है। अरे आपकी पार्टी में तो देशद्रोही प्रति। अरे आप अतीक अहमद, अरे ठीक है मुख्तार अंसारी अरशद आबिद मुद्दे को बचा रहे हैं आप लोग। क्रिमिनल आपकी पार्टी में लिपते हैं। अरशद आबिद बता लीजिए आप, अरशद आबिद और बताइए अरशद आबिद उत्तर प्रदेश में तीन बार इन्होंने। अरे आने दो सरकार, आने दो, एक 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 नौकरी की जांच होगी, आप चिंता मत करो। ठीक है जो जो काले काम किया उनकी सबकी जांच होगी। आप बेरोजगारों के साथ जो काम किया है आपको उसकी सजा मिलेगी। चंद्रमोहन जी करो आपको आपके पास की सजा मिलेगी, बेरोजगारों के साथ धोखा देने की सजा मिलेगी। चंद्रमोहन जी जवाब तो सुन लीजिए भाई। ठीक है हम दाना सा नहीं देश बदलना, हम भ्रष्टाचारियों के कौन जिम्मेदारी उसे किस्मतों का। अरशद आबिद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरशद आबिद से माफी मांगे। अरे माफी मांगे माफी मांगे कैसे कैसे चलेगा, समय खराब हो रहा है। ये भाजपा की सरकारें जहां जहां भी हैं दस दस बारह बारह मंत्री। अरे अरशद आबिद छोड़िए इसको, मुंह सवाल का जवाब दीजिए। सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। अरे कैसी बातें करते हो, कैसी बातें करते हो, आपके पास कुछ बोलने का नहीं है। ठीक है चंद्रमोहन जी ठीक है आप चुप रहिए। मंत्री भारत सरकार के जेल जाएंगे। अरशद आबिद इस पार्टी अरशद आबिद बातें कर रहे हो आप कुछ नहीं बोलने के लिए। एक करोड़ चंद्रमोहन जी प्लीज, अरशद आबिद जनता तो भिखारी हो ही जाएगी। अरशद आबिद मूल सवाल का जवाब दीजिए। देशों की सरकार है, कालाबाजारी करने वालों की सरकार। अरशद आबिद सुनते क्यों नहीं, और अडानी की सरकार है, ये सामंतवादियों की सरकार है। अरे सुनिए तो, दलितों पीड़ों को कुचल रहे हैं देश की जनता। 2000 अरे अरशद आबिद सफाई करेगी पांच स्टेट में, और 2019 में पूरी तरीके से नगर का सफाई। रोकिए भैया इनकी आवाज को, अरशद आबिद जी रोक रहे हैं हम आपको। हम अमिताभ जी के पास जा रहे हैं। अमिताभ जी संपादकीय टिप्पणी प्लीज। ये राजनीतिक बहस नहीं है, रोजगार को लेकर मसला था, उस पर बात होनी चाहिए थी। अमिताभ जी देखिए मुश्किल क्या है पंकज जी, जब राजनीतिक कार्यकर्ता केवल नारा लगाने लगे ना, वहां पर विमर्श खत्म हो जाता है, वहां पर चर्चा खत्म हो जाती है, बहस प्राण त्याग देती है। जहां नारा लगने लगे बहस में शास्त्रार्थ में चिंतन में परिचर्चा में नारे की कोई जगह है क्या? राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मैं देख रहा हूं, इधर वो हर बहस में नारा लगाना शुरू कर देते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा भैया जी का नाम रहेगा, फलाने जी का नाम रहेगा जी, तो बहस तो नहीं हो सकती। गरीब के आंख का आंसू नहीं पोंछा जा सकता, और आंसू मत पोंछो गरीब के दुर्भाग्य पर और हमारी सरकारों की अक्षमता पर। हम अपनी आंख की कोर भी गीली नहीं करते, पूरी छाती ठोक के जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, बिना किसी शर्मिंदगी के मूछों पर ताव देके नारा लगाते हैं, कहते जिंदाबाद जिंदाबाद। राजनीतिक विमर्श क्या होगा, साफ सुथरी चर्चा कैसे होगी? मैंने बुनियादी सवाल रखे थे, छोड़ो उद्यमिता जब पढ़ेगी तब पढ़ जाएगी। मुझे ये बताओ कि ये जो 35-36 लाख पुलिस के सिपाही कम है पूरे देश में, ये भर्ती क्यों नहीं कर रहे भैया? क्या पार्टी के कार्यकर्ता सिपाही का काम करेंगे? नहीं ना, तो सिपाही भर्ती क्यों नहीं किए? आप लोग इसलिए नहीं करते, सुरेंद्र राजपूत उस बात को पूरा नहीं कहे, मुश्किल ये है, आप भर्ती करना उस आदमी को चाहते हो जो आपका कार्यकर्ता हो या मिठाई दाता हो, और जब तक ऐसा आदमी नहीं मिलता आप पद खाली रखते हो। और संविदा ने इस देश के पूरे तंत्र को भ्रष्ट करने में बड़ा महती भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में चंद्रमोहन जी सुरेंद्र जी हमारे साथ लंबे समय से इस मुद्दे पर बहसों में बैठे हैं। किसको नहीं पता कि प्रधान ने स्कूल में मास्टर रख दिए? किसको नहीं पता?
प्रधान स्कूल में मास्टर रखेगा तो आप भी जानते हो कैसे रखेगा और हम भी जानते हैं कैसे रखेगा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मास्टर रखने का यह तरीका, पार्लियामेंट का राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एक अलग बात कहता है, लेकिन हमने उत्तर प्रदेश में प्रधानों को अधिकार दे दिया था, प्रधानों ने लिस्ट दे दी, बोले सब मास्टर हो गए कल से। ऐसे चलाना चाहते हैं सिस्टम? उसके बाद यही होगा कि 60,000 लड़के सफाई कर्मचारी के लिए आएंगे जो योग्य होंगे। इस बात का उत्तर किसी के पास नहीं। 2,00,000 से ज्यादा पद खाली है प्राइमरी के, उत्तर प्रदेश की बात कर लो। मैंने इस बहस में मैंने उलझता कि बाबू क्या कह रहा है, कौन क्या आंकड़े दे रहा है इस बहस में, नहीं। 2,00,000 से ज्यादा सरकारी पद खाली है प्राइमरी एजुकेशन के, और लक्ष्मण मेला मैदान चले जाना अरशद आबिद, 2013 के बीटीसी उत्तीर्ण बच्चे 115 दिन से वहां अनशन पर बैठे हैं, 115 दिन हो गए। आप लोग हमको समझा रहे हो, 115 दिन हो गए, पद खाली, योग्य अभ्यर्थी मौजूद, भर्ती नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आपको जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा अभी, और जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक काम नहीं होगा। ये स्थिति पैदा कर दी। उद्यमिता की बात चंद्र मोहन जी ने कही, मैं उनसे सहमत हूं। उद्यमिता बिना सरकारों के सपोर्ट के भी बढ़ रही है। 1991 के बाद से नरसिंह राव को मैं इस बात का क्रेडिट दूंगा, उन्होंने इस देश में उद्यमिता को बढ़ाने में योगदान दिया था बड़ा। आर्थिक उदारीकरण में तमाम रास्ते खोले। ये मोबाइल का सिम बिकने लगा तो कई लाख बच्चे इसमें रोजगार पा गए। बहुत सारे उदाहरण मैं गिना सकता हूं, वो काम हो रहा है। लेकिन सरकारें कहां हैं जिनको हम चुनते हैं, जिनको ननकू माई बाप समझता है, जिनको रज्जाक माई बाप समझता है, वो कहां है? और क्या वो अपना फर्ज पूरा कर रही है? नहीं। एसटीडी बूथ एक दौर में खुले थे, तमाम गरीब बच्चों को उससे रोजगार मिला था। अच्छा है, ये तरक्कियां हुई है, हमने देखी है। कुरियर का व्यवसाय आया इस देश में, बड़े पैमाने पर बच्चे उसमें लगे, ये सब हुआ है। लेकिन इसमें सरकारों को कोई बहुत योगदान नहीं। इसलिए अपनी छाती मत पीटो ना अपनी पीठ ठोको। ये भारत के आम जन की उद्यमशीलता है। सरकारों की जहां जहां कसौटी थी वहां वहां सरकारें सफल नहीं रही। योग्य लोग मौजूद, पद खाली, भर्ती नहीं। और जिस प्रदेश में हम बैठे हैं, मैं कहना नहीं चाहता था, बहस को उसमें बदमजगी हो जाती, लेकिन अंत में एक इशारे में बात कहूंगा। मेरी बात से सुरेंद्र राजपूत सहमत होंगे, चंद्रमोहन शर्मा सहमत होंगे, और अरशद आबिद भी सहमत होंगे, टीवी पर भले ही मजबूरी में ना बोल पाए। मुझे एक नियुक्ति बता देना जिसका मामला अदालत में ना फंस गया। किस रास्ते से नियुक्ति करते हो आप कि हर नियुक्ति अदालत में जाके चैलेंज हो जाती है? क्या तमिलनाडु में ऐसा हो रहा है? क्या महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है? क्या राजस्थान में हो रहा है? क्या बिहार में हो रहा है? क्या बंगाल में हो रहा है? नहीं ना। लला कौन सी अदा से नाच रहे हो कि घुंघरू भी टूट रहा और आंगन भी टूट रहा? बाकी राज्यों में भी भर्तियां हो रही हैं ना, पुलिस की भर्ती, लेखपाल की भर्ती, होमगार्ड की भर्ती, मास्टर की भर्ती, डॉक्टर की भर्ती, चपरासी की भर्ती। कौन सी भर्ती है जो अदालत में नहीं है? क्यों? आपके रास्ते में कोई तो खोट रही होगी। सरकारों को ध्यान रखना, वरना ऐसे ही दृश्य आएंगे, माता पिता खेत बेचकर बच्चे को पढ़ाएंगे और बच्चा बाद में सड़क पर घूमेगा अपनी डिग्रियां लेकर। यह हम सबकी सामूहिक असफलता है, इस सरकारों की सामूहिक असफलता है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों में भी कोई भेद नहीं, जो भी जहां सरकारें हैं ये उनकी साझी असफलता है। अगर इतनी बड़ी जनसंख्या
आज भी रोजगार के लिए भटक रही है। 1% है दुनिया भर में मान्य है रोजगार और बेरोजगारी के बीच अंतर का, लेकिन इतना बड़ा अंतर दुनिया के किसी मुल्क में नहीं। प्रतिशत में मैं वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा, वरना सुरेंद्र राजपूत मुझे टोक देंगे जी। मैं प्रतिशत की बात कर रहा हूं, ये प्रतिशत ज्यादा खतरनाक है। इतने प्रतिशत बेरोजगार कहीं नहीं, इसलिए हमारी सामूहिक असफलता है, इसको सोचना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर अरशद आदित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चंद्रमोहन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुनील राजपूत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।